लोनी के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। जय हिंद बंदे मातरम के नारों के साथ चीन के सेना का पुरजोर विरोध किया। इसी के साथ साथ चीन के सामान का बहिष्कार भी किया। लोनी में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनोज धामा ने अपने समर्थकों के साथ अपने कैंप कार्यालय बेहटा हाजीपुर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। इस दौरान पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनोज धामा ने कहा कि देश प्रेम की डगर पर शीश दान दे गए अमर हैं वो वतन की खातिर जो अपनी जान दे गए। पुतला फूंकने के उपरांत भारत माता की जय और अमर शहीदों के बलिदान को याद रखेगा हिंदुस्तान जय हिंद और वंदे मातरम के नारों से वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा चीनी सामान का बहिष्कार भी किया गया। जिस तरह से एलएसी पर भारतीय सैनिकों के साथ में और उनकी शहादत हुई है, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और हम सब लोगों ने चीन के राष्ट्रपति का और चीन देश का हम लोगों ने पुतले का दहन किया है। और मैं सभी अपने देशवासियों से खास तौर पर आह्वान करना चाहता हूँ कि चीनी सामान का बहिष्कार करें और उन वीर योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर दे। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सैनिकों को पूरी छूट दी जाए और इस नापाक हरकत का जो चीन ने किया, जो दुस्साहस किया है, उसका करारा जवाब दिया जाए।